वर्धक, आपके लिए शिक्षा प्रदेय जो आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई, हमारे उन सभी महापुरुषों के बारे में बताए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सभी जो व्यक्तागण यहाँ पर आए, जो वक्तागण आए, उन्होंने सभी ने अपनी तरफ से हर चीज को आपके सामने रखा है, बताया है, अपने को विकसित करने के लिए, इस देश की वर्ण व्यवस्था से लड़ने के लिए वो सारी की चीजें आपके सामने रखी हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात चाहता हूँ कि अगर घरों में आपके यहाँ पर अगर मंदिर बना है, घरों में अगर आपके यहाँ पर मंदिर बना है, तो उसको रिप्लेस कीजिए, उसको बदल दीजिए और उसकी जगह छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाइए, छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाइए, उनमें किताबें रखिए, वो सभी किताबें जो बाबा साहब ने लिखी हैं, हमारे महापुरुषों ने लिखी हैं, उनको अपने घर में सजो के रखिए। इस आप उन मंदिरों को यहाँ से अपने घर से विदा कर दीजिए और छोटी छोटी लाइब्रेरी जरूर बनाइए। यहाँ की जो आपकी संस्था है, ये इस चीज पर विचार करे, घरों में जाए, उनको सलाह दे, उनके यहाँ पर वो सारी चीजें जो कुरीति आदमी की ब्राह्मणवादी सोच है, उसको आप दूर करिए और उससे संबंधित जो भी आप चीजें अपनाते हैं उनका त्याग करिए, जिसमें बहुत सी चीजें हैं सामने दिखाई देती हैं। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कोई भी अभ्यास, कोई भी कुरीति आप ना अपनाएं। अगर अपने बच्चों को आप ये बाबा साहब की बातें या गौतम बुद्ध की बातों को अगर सिखाना चाहते हैं, तो आप अपने से शुरू करें। मैं इन्हीं के साथ, इन्हीं शब्दों से मैं ये क्लोज करता हूँ और आप सभी को, यहाँ के गांव वासियों को मैं जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूँ।